अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाबर नसीर ऑफिशियल, दिस इज बाबर शेख, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के सीन्स इतने अलग, मतलब पहले एक दफ़ा दोस्तों के साथ फार्म हाउस से होके आया हूँ, अब दोबारा से फिर से फार्म हाउस जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। तो आज दोबारा से प्लान बना है, सडनली सुबह मैं उठ गया था जल्दी, लेकिन मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया था। उसकी बेसिकली वजह ये थी कि मैंने कहा जब शाम में निकलेंगे तभी व्लॉग शुरू करेंगे, क्योंकि दिन में गर्मी और लाइटें इतनी जा रही हैं कराची में, आए हाय हाय, हर दो घंटे बाद लोड शेडिंग होती है। लेटा हुई हूँ सुबह से, असल में बाहर निकले स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है यार, बंदा एसी में आराम से लेटर, मैंने कहा था आराम से व्लॉग शुरू करूँगा, तो व्लॉग हो चुका है स्टार्ट। जल्दी से चलते हैं, बैग वैग बनाते हैं, फार्म हाउस का सिलेक्ट कर दी न्यू व्लॉग। तो ये मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दी, चलो भाई चलते हैं, इसे कार्टून देखना है यार। अपने कमरे में आके व्लॉग शुरू करता हूँ या बुलबुल सो रही है? बंदा व्लॉग करे तो करे कहाँ पे? कून से जो है बुलबुल पड़ी हुई है, आराम से सो रही है, कोई टेंशन ही नहीं है इसको किसी चीज़ की, बस सोने से मतलब है इसको। मुंह पे फ्लैश पड़ा तो परेशान हो रही है। बुलबुल बुलबुल उठ जाओ जल्दी से, उठ जाओ बुलबुल। आज के फिक्स 12 बज चुके हैं। बिल्कुल सीरियस और बिल्कुल हकीकत बात पता है क्या है, ये जो मुझे फेस पे पसीना आ रहा था ना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, इतना अजीब सा आ रहा था, मतलब फेस पे स्वेटिंग हो रही है, जाहिर सी बात है गर्मी हो रही है, खैर व्लॉग करना भी ज़रूरी है, आपको दिखाना भी ज़रूरी है। तो 12 बज गए ऑलरेडी और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, अब हम लोग निकलते हैं फार्म हाउस के लिए। सारे बैग्स वैग्स मेरे रूम की तो उन्होंने सही तबाही और बर्बादी मचाई है, पड़े हुए बैग्स वगैरह सारे सबके रेडी हो चुका हूँ, मतलब बिल्कुल नॉर्मली मैंने कपड़े पहने, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस चप्पल चेंज करनी है तो चप्पल निकालेंगे नीचे से, इसके नीचे इतनी चप्पलें भर चुकी हैं इसकी कोई इम्तहान नहीं। लेट मी शो यू, चेक करो ये देखो बहुत चप्पल हो गए मेरे पास यार। अंदर ये ब्लैक वाले डालते हैं, चुके हैं दुबई से वापस। हाउ इज योर ट्रिप भाई? गुड। अच्छा सो बर्गर अभी मंगवाए हम लोगों ने सबने अपने लिए, जाते जाते पहले सब खाएंगे बर्गर, क्योंकि खाना किसी ने नहीं खाया, हम खड़े बर्गर वाले पर। यार मजाक से हट के, मतलब इस फार्म में कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि मैं कोई मजाक वजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप ये रास्ता चेक करो, दूर दूर तक ना बंदा है ना बंदे की जात है, बिल्कुल सन्नाटा। शुक्र अब आया बना हुआ रोड, अब थोड़ा गाड़ी खींच सकता हूँ मैं, वरना तो बिल्कुल कोई भी नहीं है, दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा, ना पीछे कोई है ना आगे कोई है। करते हैं व्लॉग कंटिन्यू फार्म पहुँच के। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फार्म हाउस पे, बड़ी मुश्किल से 1:50 हो रहे हैं रात के, मतलब एक तो देर और दूसरी बात ये कि एक तो फार्म इतना अंदर, ऊपर से रास्तों में एक स्ट्रीट लाइट नहीं, मतलब जैसे मैंने पहले वाले फार्म हाउस जाते हुए एक प्रैंक किया था कि रास्ते में डकैत मिल गए ऐसा करके, लेकिन आज मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि इस तरफ लग रही है मंडी, जिस तरफ बेसिकली ये फार्म है, बहुत ही डेंजर रास्ता था। खैर मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मैं फुल स्पीड में खींचता आया, सोने पे सोया गया, मेरी गाड़ी में हॉर्न भी नहीं था। खैर एनीवेज फाइनली मैं फार्म पर पहुँच चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अंदर, सारे लोग पहुँच चुके हैं, गाड़ी भी हमने लगा दी, चलते हैं अंदर। पार्टी के बाद जो है मेरे पास 6-7 गुलाब जामुन आई हैं खाने के लिए, ये भूख लग रही थी, मैं लेट हूँ इस वजह से जो है खाना ख़त्म हो चुका था, तो इसे गुलाब जामुन से गुजारा करेंगे, जाएंगे पीछे पूल में, पार्टियाँ बैठी हुई हैं, कुछ पार्टियाँ घूम भी रही हैं, तो गुलाब जामुन खाते हैं और बहुत भूख लग रही है। निकल बाहर निकल। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे ऑलमोस्ट पूल में ही हैं, मैं अभी तक पूल में गया नहीं हूँ, मैं खाने के इंतज़ार में था, अभी गुलाब जामुन वगैरह खाई है थोड़ी सी, अभी ये सारे पूल में बुला रहे नीचे के, आ जाओ जितने जल्दी से क्या कर रहा था तुम्हें
वही क्या कर रहा बाहर निकाल इसको क्या हमारे साथ आज बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी आए हुए हैं। 3, 2, 1 पिल्ले डॉगी के पिल्ले डॉगी यार आ जा हो गया सुबह के 4:10 और नाइट में जो है वो फ्राइज हैं और वोंग टोंग है। सब लोग खाने शुरू हो गए, ये लोग तो गीले हो रहे हैं हम भी खाते हैं और मैं स्टिल अभी तक कपड़े पहना हुआ हूँ, पूल में नहीं गया हूँ, बस ये खाने के बाद इंशाल्लाह चलते हैं पूल में। हल्का हाथ रख लो थोड़ा। हेलो, हाउ आर यू? मंजर है सुबह सुबह का, मैं सिर्फ इसका इंतजार कर रहा था। बेसिकली ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, मुझे सूरज की पहली किरण जो होती है ना वो देखनी चाहिए। मैंने सुना है बहुत रिफ्रेशिंग होती है और इतने ज़्यादा आपको पता है ग्रीनरी में तो बंदा बहुत अच्छी सुबह करेगा। उसका बेसिकली सीन ये है कि यहाँ पर नकली बारिश भी लगी हुई है, फुल शावर वावर चल रहे हैं, बहुत VIP नहाने का सीन है यार। चलते हैं हम भी कूदते हैं पूल में, क्या बोलता है समीर? बना रहे थे, कोई बात नहीं। फुल और एंजॉय हो रहा है, मैं भी फुल पूल में एंजॉय कर रहा हूँ मज़े से। फुल और जू फुल निकल रही है, बारिश चल रही है, फुल मज़ा आ रहा है। मैं इसी मनुष्य को लाती हूँ आज के सुबह के खाने में छोले और हलवा पूरी पूरी सब तैयार हो गई। अभी पूरी से नहा के निकल आए बाहर, अब नाश्ते की तैयारी, थोड़े बहुत नाश्ते की प्रॉब्लम आ गया आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली अभी जो सीन्स हैं वो ये हैं कि सब थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ, धूप में मेरी तो वैसे ही आँखें नहीं खुलती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आँखें खोलने की। और सारे लोग ऑलमोस्ट रेडी, सुबह भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, नाश्ता वाश्ता भी हमने कर लिया जैसे आपको दिखाया, तो चलते हैं घर पे। यार मुझे तो आ रही है खैर नींद, और पहले ये सारी आवाम इसलिए खड़ी हुई कि मुझे इनकी तस्वीरें खींचनी, इनको ज़रा एहसास नहीं यार, पहले इनकी पिक्चर्स लेते हैं उसके बाद ही सारे काम होंगे। सो फाइनली बैक होम, और थक के जो है वो बहुत बुरा हाल हो चुका था। खैर मैंने आके शावर वावर ले लिया, टाइम जो है वो मेरे ख्याल 10:30 या 10 बज रहे सुबह के। तो अब चलते हैं सोने के लिए यार, सो के उठ के व्लॉग एडिट होगा, क्योंकि मैं तो बहुत, मैंने फार्म हाउस पर आप लोगों को बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। जब ज़्यादा मतलब इससे पहले मैंने फार्म हाउस में था उसमें इतना ज़्यादा नहीं थका था, लेकिन इसमें सडनली पता नहीं क्यों इतना थक गया, तो गर्मी की वजह से या तो कोई और सी। सो आई होप आप सबको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो इस व्लॉग को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।